आपके सामने दो सेंटेंस रखूंगा दोस्तों, आपका काम है कि आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, राइट। पहला सेंटेंस है आई एंजॉयड इन द पार्टी एंड सेकेंड वन इज आई एंजॉयड द पार्टी। बताएंगे विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट। हालांकि दोनों सेंटेंस सिमिलर मीनिंग रखता होगा और इसका भाव, इसका मीनिंग हम लोग समझ भी पा रहे हैं। कहना चाह रहा है कि मैंने पार्टी में इंजॉय किया, क्या किया, इंजॉय किया। लेकिन कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है एंड कौन सा नहीं है ये बताइए जल्द। नमस्कार, दिस इज आलोक राज एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानमार्ट। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है। सबसे पहले जान ले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के ही प्रकार है। हम लोगों ने प्रोनाउन के तीन प्रकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पिछले वाले वीडियो में, पिछले तीन वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। जो पहली बार हमारे इस चैनल पे आकर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उन वीडियो को भी जरूर देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों जब बात आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम पड़ा है इसका, तो सबसे पहले वो जानते हैं। तो जरा देखेंगे इसका मीनिंग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग इसके नाम में ही छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है देखेंगे। रिफ्लेक्सिव वर्ड जो बना है रिफ्लेक्शन से, किससे बना है, रिफ्लेक्शन से बना है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परछाई। क्या होता है दोस्तों, परछाई। एंड हम लोगों को पता है कि परछाई किसी न किसी ऑब्जेक्ट का परछाई होती है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है उसका, आप देखेंगे जो परछाई बनती है जिसे हम रिफ्लेक्शन करते हैं, कहते हैं ना, तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक परछाई होती है। उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में जो सब्जेक्ट होते हैं उसके रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई रिपीट, जो इंग्लिश ग्रामर में जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन को ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, राइट। तो चलिए अब बात आते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्शन है प्रोनाउन सब्जेक्ट का, वो किस तरीके से सेंटेंस में यूज होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं दोस्तों। तो ये जानेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, आई रिपीट कि पर्सनल प्रोनाउन कौन होता है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन है। एंड जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है उनके रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। एंड इन सारे जो पर्सनल प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिक्स होते हैं, यानी ये बदल नहीं सकते हैं। हर एक पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अगर आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ, बी का आवर सेल्फ, इस ढंग से सारे पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख ले एक बार स्क्रीन पे कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस ढंग से लिखे जाते हैं। सबसे स्क्रीन पे सबसे पहले फर्स्ट में आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, यू का होगा योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। मैं बताऊंगा कि इसे दो बार क्यों मैंने लिखा है, मैं बताऊंगा अभी, पहले आप देख ले सारे को। वी का होता है आवर सेल्फ एंड दे का होगा देम सेल्फ, ही का होगा हिम सेल्फ, सी का होगा हर सेल्फ, इट का होगा इट सेल्फ सेल्फ। एंड वन का भी दोस्तों जो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं बट इसके भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, वन का होता है वन सेल्फ, ठीक है। तो आप एक बार इन सभी चीज को एक बार आप देख ले अच्छे तरीके से कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन मैंने लिखा है एंड वन को सभी का पर्सनल प्रोनाउन, सभी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस ढंग से दिखेंगे, ओके। अब बात आती है कि मैंने यू का दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा है, एक योर सेल्फ एंड दूसरा योर सेल्फ, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि योर सेल्फ सिंगुलर के लिए आते हैं एंड योर सेल्फ जिसमें भी ई एस लगा हुआ है वो प्लूरल के लिए आते हैं। अब देखेंगे यू, यू हम जब हम जिससे बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से, यानी सेकेंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक है, सपोज मेरे सामने कोई एक बंदा बात कर रहे हैं, बात मेरे सामने कोई एक बंदा है, मैं उससे बात कर रहा हूं तो उसको मैं यू करके बोलूंगा। लेकिन वो नंबर में एक है, क्या है, एक है, तो वो सिंगुलर मानेंगे। हालांकि यू के लिए वर्ब हमेशा प्लूरल देते हैं लेकिन इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ, ठीक है, एस ई एल एफ योर सेल्फ होगा। लेकिन अगर हमारे सामने एक से अधिक लोग बैठे हुए हैं, अधिक लोगों से मैं एक साथ बात कर रहा हूं,
तो सभी लोगों के लिए भी हम यू का ही प्रयोग करेंगे, तो वहां यू प्लूरल की तरह ट्रीट होगा एंड इसके लिए हम योर सेल्व्स का प्रयोग करते हैं, SELVES। ठीक है, तो यहां यही अंतर होता है योर सेल्फ एंड योर सेल्फ में, योर सेल्फ सिंगुलर के लिए एंड योर सेल्फ प्लूरल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बाकी नीचे देखेंगे बी है, बी का आवर सेल्व्स SELVES इसलिए लिखे हैं दोस्तों क्योंकि बी हमेशा प्लूरल के साथ यूज होते हैं, तो प्लूरल के लिए हमेशा आपको सेल्फ नहीं सेल्फ्स लगाना होगा, बट आई सिंगुलर मानते हैं इसलिए माई सेल्फ लिखा जाता है, इट सिंगुलर होता है इसलिए इट सेल्फ लिखा रहता है, यानी जो प्रोनाउन सिंगुलर को डिनोट करेगा उसमें सेल्फ लिखा होगा, जो प्लूरल को डिनोट करेगा उसके लिए सेल्फ्स लिखते हैं। अब तो ये बात हो गई कि पर्सनल प्रोनाउन जितने भी हैं सभी का अपना फिक्स्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट में, जरूरी नहीं है कि केवल पर्सनल प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बने, नाउन भी तो आ सकते हैं, तो ध्यान देंगे अगर कोई नाउन, कोई भी नाउन हो तो नाउन का भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो नाउन अगर कोई है मेल है लेकिन सिंगुलर, कोई भी सब नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में मेल हो सिंगुलर नंबर में तो उसके लिए हिमसेल्फ, एंड कोई फीमेल हो सिंगुलर नंबर में तो उसके लिए हरसेल्फ, एंड कोई प्लूरल नंबर में हो, कोई प्लूरल नंबर में चाहे वो कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो या कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो लेकिन प्लूरल में हो, सिंगुलर नहीं प्लूरल में हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे देमसेल्व्स। क्या यूज करेंगे? देमसेल्व्स। ठीक है, तो यहां तक याद रखेंगे देमसेल्व्स का हम लोग प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गया है नाउन के लिए, एंड इधर मैंने बताया पर्सनल प्रोनाउन के अपने फिक्स्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब चलिए जानते हैं, ये तो जान गए कि सारे पर्सनल प्रोनाउन के फिक्स्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड नाउन का भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन अब सेंटेंस में किस ढंग से इसका इस्तेमाल करेंगे एंड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से एग्जामिनेशन में हमारे सामने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, और अपने एक मित्र को एक दोस्त को जरूर शेयर करें। ओके, तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे, यहां तक तो जान गए सारे पर्सनल प्रोनाउन के फिक्स्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, राइट। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां किस ढंग से पूछे जाते हैं एरर। ओके, अब देखेंगे दोस्तों क्या स्क्रीन पे कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि एग्जामिनेशन में किस ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उसे शुरू करने से पहले ये जान ले कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आएंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग आखिर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे उसका मीनिंग यानी हिंदी मीनिंग निकलेगा खुद को, स्वयं को, अपने आप को। आई रिपीट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे सेंटेंस में उसका हिंदी मीनिंग निकलेगा खुद को, स्वयं को, अपने आप को। यही इसी तरीके से हम लोग इसका मीनिंग निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यह है नोट करने वाली बात कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में आएंगे लेकिन वो आएंगे कहां, किस जगह पे, उसका स्थान कहां होगा सेंटेंस में, तो नोट कर ले कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में आएंगे तो जो मेन वर्ब होंगे मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे, जहां ऑब्जेक्ट को लिखते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, यानी मेन वर्ब के जस्ट तुरंत बाद, जो मेन वर्ब होंगे उसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होंगे वो वर्ब के पहले नहीं रखेंगे, जब रखेंगे तो कहां रखेंगे? मेन वर्ब के तुरंत बाद हम लोग, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी आएंगे तो ऑब्जेक्ट के, जहां ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, चलिए अब एक एग्जाम्पल से जरा देख लेते हैं। अक्सर बोलते हैं कि I teach myself, क्या मीनिंग निकल रहा है दोस्तों? Myself आया है तो सोचेंगे ये myself अगर आया है तो ये myself reflexive pronoun है, एंड ये reflexive pronoun किसके अकॉर्डिंग आया होगा, किसका रिफ्लेक्शन होगा? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट है क्या? I है, तो I का reflexive pronoun तो myself होता है ना। तो आपको, आपका काम भी रहेगा कि जब भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए तो एक बार चेक कर ले कि सब्जेक्ट आखिर क्या है। सब्जेक्ट आई है तो आई के अकॉर्डिंग माई सेल्फ ही रहना चाहिए, तो माई सेल्फ तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। ओके,
एंड सेकेंड पॉइंट दोस्तों कि माई सेल्फ किसके जगह पर आया है, किस स्थान पे आया है, तो वर्ब जो है टीच, टीच के तुरंत बाद यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो मैंने बता दिया है कि माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही आना चाहिए। तो जो माई सेल्फ मेन वर्ब के तुरंत बाद यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए हैं। अब तीसरी पॉइंट ये है कि इसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं, क्या मीनिंग निकलता है। जैसा कि मैंने बोला था कि हिंदी मीनिंग इसका निकलेगा खुद को, स्वयं को, अपने आप को, राइट। तो देखेंगे दोस्तों यहां पर क्या निकलता है। आई टीच माई सेल्फ, मैं खुद को पढ़ाता हूं, मैं खुद को पढ़ाता हूं। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग अक्सर अगर हम लोग सीखते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, इट मींस क्या है, मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं, खुद को ही सिखा रहा हूं। तो ऐसा अगर बोलना हो तो हम लोग बोल सकते हैं आई टीच माई सेल्फ, ठीक है। आई टीच माई सेल्फ, अगर सब्जेक्ट ही होगा तो ही के अकॉर्डिंग बोलना होगा, ही टीचेस हिमसेल्फ, ओके। तो इस ढंग से हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी आएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब चलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि किस ढंग से एरर दिए जाते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है समझेंगे, एंड कब किया जाता है, ओके। अब दोस्तों बात आती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग सेंटेंस में कहां यूज करेंगे एंड कब करेंगे। तो ध्यान देंगे कि एक आपने वर्ब का एक दो फॉर्म है जिसके बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिन्हें जिनके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आता है। एंड इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहां समझेंगे कि जब ट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर वैसा वर्ब आपके सामने सेंटेंस में आए जिनके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में नहीं आया हो, ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, तो उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए हम लोग वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वहां क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई रिपीट कि अगर सेंटेंस में जो मेन वर्ब आए हैं एंड वो मेन वर्ब के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आना चाहिए, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो वहां हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे उस ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए। उस ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस समझेंगे, आई सॉ मैंने देखा, तो देखेंगे आई सॉ मैंने देखा, तो क्या यहां ये सेंटेंस जो है कंप्लीट मीनिंग रख रहा है या कोई ना कोई सवाल छोड़ रहा है। अगर सवाल छोड़ रहा है यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की मांग कर रहा है ये वर्ब मैंने देखा, तो क्या देखा, कुछ तो देखा होगा, शेर देखा होगा, बिल्ली देखा होगा, कोई पेन देखा होगा, या आप लोगों को देखा होगा, किसी ना किसी चीज को तो देखा होगा। तो यहां सेंटेंस से अगर हम केवल बोले आई सा, तो एक अधूरा सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है एंड ऑब्जेक्ट मैंने नहीं दिया। तो वैसे सेंटेंस में जिसमें मेन वर्ब किसी न किसी ऑब्जेक्ट की डिमांड करे एंड ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ना हो, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को पूर्ति करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। किसका करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो यहां लिखा हो आई सा, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट को रखेंगे, किसी को भी तो रख नहीं सकते, तो इसकी पूर्ति करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, तो देखेंगे सब्जेक्ट है आई, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, यानी आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। देखते हैं हम लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं, मोबाइल फोन में सेल्फी कैमरा में देखते हैं। तो वैसे सेंटेंस को अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देते हैं तो ये सेंटेंस अब कंप्लीट हो जाता है, आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। तो अब हमारे मन में कोई सवाल नहीं उठ रहा होगा, लग रहा हाँ ये सेंटेंस एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है ना, अधूरापन नहीं लग रहा है। तो ध्यान देंगे कि जब भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो एंड उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ वैसे ही मेन वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब है एंड उनके लिए ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों कौन कौन सा वो वर्ब है, तो है इंट्रोड्यूस, इंजॉय, अब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, रिजाइन, एडॉप्ट। अगर ये सब मेन वर्ब के रूप में आए और इनके तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, इंट्रोड्यूस, इंजॉय, अब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, रिजाइन,
एडॉप्ट, अगर ये वर्ब आए तो इनके तुरंत बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये वर्ब है तो बहुत सारा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ये इन वर्ब को जरा गौर से देख लीजिए, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, इंजॉय, अब्सेंट, इंट्रोड्यूस, ये अक्सर एंड अवेल कई बार पूछे जा चुके दोस्तों। तो इन मेन वर्ब पर हमेशा ध्यान रखना है कि इनके तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ गया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। आई एंजॉयड इन द पार्टी। नेक्स्ट, आई एंजॉयड द पार्टी। अब दो सेंटेंस है दोस्तों, इन दोनों में देखेंगे कि किसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है एंड किसमें नहीं है। ठीक है, तो यहां देखेंगे पहला वाला लाइन में आई एंजॉयड एंड एंजॉयड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है क्या, एंजॉय के लिए कोई ऑब्जेक्ट आया है क्या। तो देखेंगे एंजॉयड के बाद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है एंड इन के बाद आया है द पार्टी, जो ऑब्जेक्ट तो है, द पार्टी ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन एंजॉयड यानी मेन वर्ब का वो ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि ऑब्जेक्ट किन के लिए आते हैं। तो एक आते हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है एंड दूसरा होता है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहां इन द पार्टी जो पार्टी ऑब्जेक्ट है वो इन प्रीपोजिशन के लिए आया है, एंजॉयड के लिए नहीं। ठीक है, तो यहां देखेंगे एंजॉयड के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, पार्टी जो है इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंजॉयड का नहीं है। तो एंजॉयड के लिए जब ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत थी लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो यहां पर आप लोग क्या यूज करोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बोलेंगे इसका सही करेक्शन होगा आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो था आई एंजॉयड द पार्टी, अब जरा इसको देखेंगे, आई एंजॉयड एंड एंजॉयड के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है द पार्टी, कोई प्रीपोजिशन नहीं है। ये द पार्टी जो है एंजॉयड जो वर्ड है एंजॉयड के तुरंत बाद आया है एंड एंजॉयड के लिए आ रहा है, तो यहां पर जो पार्टी है ऑब्जेक्ट है एंजॉयड का, तो एंजॉयड के बाद हम किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है। तो ध्यान रहे जब भी जो मेन वर्ब है उनके लिए उनको सेटिस्फाइड करने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो वहां आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे होते हैं एंड वर्ब को सेटिस्फाइड करने के लिए, जो वर्ब है उनको सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एंड एक और एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, वन मस्ट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। वन मस्ट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो यहां भी बताएंगे दोस्तों क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। यहां इसका ये मतलब है हर एक को मौके का फायदा उठाना चाहिए, हर एक को मौके का फायदा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या करेक्ट है या गलत है। तो जैसे कि ऊपर देखेंगे मैंने बताया था कि अगर अवेल आए, एंजॉय आए, इंट्रोड्यूस आए, अगर इनमें इन शब्दों का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो इनके तुरंत बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आते हैं। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। किसका करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो देखेंगे अवेल जो मेन वर्ब है, अवेल के तुरंत बाद क्या कोई भी ऑब्जेक्ट आया है क्या। अपॉर्चुनिटी को ऑब्जेक्ट समझने की गलती नहीं करें। हाँ, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है बट अवेल का नहीं, वो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद आया है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है अवेल का, जो अवेल मेन वर्ब है उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट आया है नहीं। तो यहां नहीं आया है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देंगे। क्या देंगे दोस्तों, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखेंगे वन है सब्जेक्ट, तो वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है। क्या होता है, वन सेल्फ। तो यहां यही करेक्शन होगा, वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ओके दोस्तों, चलिए तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, इसी ढंग से हम लोग यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की कमी हो, ऑब्जेक्ट नहीं रहे, जो मेन वर्ब है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आए हो तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन एंड इन क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखेंगे किसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है की जरूरत है एंड किसमें नहीं जरूरत है। ठीक है, देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पे, सी अब्सेंटेड द मीटिंग। अब्सेंट मेन वर्ब आया है जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो देखेंगे अब्सेंट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है क्या, तो यस मीटिंग ऑब्जेक्ट आया है,
तो इस सेंटेंस में ऑब्सेंट के लिए कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है, यह सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, सी ऑब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग। अब वही लाइन लग रहा होगा, तो मीनिंग तो दोनों का काफी सिमिलर है, लेकिन यहां ग्रामेटिकली ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है दोस्तों, जरा देखेंगे। ऑब्सेंट जो मेन वर्ब है, इसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जरा देखेंगे ऑब्सेंट के तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है क्या? नहीं आया है, प्रीपोजिशन आ गया। एंड प्रीपोजिशन के बाद द मीटिंग आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन फ्रॉम प्रीपोजिशन का है, ऑब्सेंट का नहीं। तो ऑब्सेंट के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो यहां हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा, यानी इसका सही करेक्शन होगा सी ऑब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, आई रियली एंजॉयड द पार्टी। तो यहां आई रियली एंजॉयड द पार्टी, एंजॉयड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया है द पार्टी, तो ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आई रियली एंजॉयड एट द पार्टी। यहां एंजॉयड वर्ड आया है, लेकिन इसके तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आकर एक प्रीपोजिशन आ गया, तो इसका मतलब यहां ऑब्जेक्ट की कमी है, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट करेंगे, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन myself। अब नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल, पीपल इन दिस कंट्री, इस कंट्री के लोग एंजॉय ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एंजॉय वर्ड आया है, एंड एंजॉय के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आया है दोस्तों, ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये ऑब्जेक्ट बनकर आया है। एंजॉय के तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है, बल्कि ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का प्रयोग हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहां किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस फुलफिल है। नेक्स्ट देखेंगे, बी थॉरली एंजॉयड आवर टाइम इन न्यूयॉर्क। अब यहां बताएंगे इस सेंटेंस में एंजॉयड मेन वर्ब है, एंड इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो देखेंगे इसके तुरंत बाद आवर टाइम क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो यहां भी किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देने की आवश्यकता नहीं है, ये सेंटेंस कंप्लीट। जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं देना है। नेक्स्ट देखेंगे, द किड्स ऑल सीम टू एंजॉय। अब यहां एंजॉय वर्ड जरा नोट करेंगे, एंजॉय मैंने बताया था, एंजॉय इंट्रोड्यूस अवेल प्रेजेंट ऑब्सेंट अगर आए तो इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो एंजॉय के तुरंत बाद तो कुछ है ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं है, यानी एंजॉय को तो ऑब्जेक्ट चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देंगे, तो एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी किड्स के लिए देंगे, जो किड्स प्लूरल फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, themselves का प्रयोग करेंगे, द किड्स ऑल seemed टू enjoy themselves। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, वन मस्ट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि अवेल है, अवेल के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो यहां अवेल के तुरंत बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देंगे, जो होगा वन सेल्फ। ओके, दे रजिस्टर ऑनलाइन एंड अवेल ऑल दीज बेनिफिट्स। अब यहां देखेंगे दोस्तों, अवेल के तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है, लेकिन ऑल दीज बेनिफिट्स एक ऑब्जेक्ट आया है, तो यहां अवेल के साथ कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, गेस्ट्स आर इनकरेज टू अवेल ऑफ फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज। तो यहां देखेंगे फिर से अवेल वर्ड आया है मेन वर्ब, तो इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसके तुरंत बाद तो प्रीपोजिशन आ गया है, यानी यहां ऑब्जेक्ट की कमी है, तो यहां एक ऑब्जेक्ट देना होगा, तो ऑब्जेक्ट जब है नहीं तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देंगे, तो गेस्ट जो प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल के लिए बताएं, कोई नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो उसके लिए हम themselves का प्रयोग करते हैं, तो वन के बाद themselves लगाएंगे एंड सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड आज का लास्ट पॉइंट जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है, नोट करेंगे, जब भी बाई के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए, क्या है, बाई के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अलोन, यानी अकेले, ठीक है, विदाउट हेल्प, बिना किसी के मदद के, ठीक है, बिना मदद के, बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए तो इसका मीनिंग होगा अलोन, यानी अकेले। ठीक है, जैसे आई लाइक टू स्पेंड टाइम बाई माई सेल्फ, एग्जाम्पल देखेंगे, आई लाइक टू स्पेंड टाइम बाई माई सेल्फ का मतलब क्या होगा, अकेले, मुझे अकेले समय बिताना अच्छा लगता है। तो जब भी बाई के बाद माई कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए, तो वहां मीनिंग आपको निकालना है अकेले या स्वतः या फिर किस बिना किसी मदद के, इस ढंग से मीनिंग निकलेंगे।
ओके दोस्तों, तो आई होप कि यहां तक आज भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेशन मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग। जो भी किसी भी प्रकार के जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में लगे हुए हैं, तैयारी करते हैं, तो काइंडली उसे शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, ठीक है। जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, प्रोनाउन के अगले प्रकार के बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, धन्यवाद।